तो यारो कैसे हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसको कई सारे न जाने कितने ही अवार्ड से नवाजा गया है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द ग्रेट डाउनफॉल ऑफ तारक मेहता की। इस शो से जुड़ी हुई अनटोल्ड फैक्ट आपके सामने रखेंगे कि आखिर ये शो क्यों अपने ऑडियंस का प्यार और सम्मान खोता जा रहा है और किस तरीके से मेकर्स इस शो को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये शो को शुरू किया गया था 28 जुलाई 2008, जिसके बाद तारक मेहता की टीम ने ये घोषणा किया कि इसको लाफ्टर डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाए। और हमेशा तारक मेहता की टीम 28 जुलाई को लाफ्टर डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते आई है। लेकिन इस शो की अगर हम बात करें पॉपुलैरिटी की, तो ये शो देश ही नहीं दुनिया भर में पॉपुलर है और इंडियन टेली अवार्ड, ITA अवार्ड, इंडियन टेली अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, इंडियन टेली अवार्ड फॉर बेस्ट जूरी, इंडिया ITA स्क्रॉल ऑनर ऑफ अवार्ड, स्टार गिल्ड अवार्ड और न जाने कितने ही ITA अवार्ड इस शो के नाम हैं। इस शो के नाम करीब 22 से लेकर 25 ITA अवार्ड शामिल हैं, जिनमें इनके कलाकारों को, इनके प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर को, एक्टर्स को अलग अलग रूप में सम्मान दिया गया है। लेकिन आखिर वो क्या वजह हुई जिसके चलते इस शो का डाउनफॉल शुरू हो गया। एक ऐसा शो जो गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग शो में भी नाम दर्ज करा चुका है, इसके बाद भी इस शो का डाउनफॉल होना क्या कुछ रीज़न है। तो वैसे इसके ऊपर अगर हम आपको बताएं तो इसके कई सारे वेरियस रीज़न हैं जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि ये शो फ्लॉप हो गया। वैसे इस शो के आज भी अगर आप 2017 के पहले के एपिसोड देखोगे तो आज भी लोग इसे देख के बहुत इंजॉय करते हैं और लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होते। लेकिन 2017 के बाद के कुछ एपिसोड लोगों को ज़्यादातर रास नहीं आया, जिसके चलते अब ऑडियंस से धीरे धीरे दूरियां बनाती जा रही है और यही मेकर्स का एक सिरदर्द बन चुका है। यही नहीं, असित कुमार मोदी के सामने एक और सबसे बड़ा चैलेंज है। पुराने एक्टर्स जो इस शो को छोड़ते जा रहे हैं लगातार, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज बना है और ये भी एक मेन रीज़न है शो का डाउनफॉल। यूँ तो ऐसी बात नहीं है कि कोरोना के बाद से या 2020 से ही शुरू हुआ, ये शो का डाउनफॉल 2017 से ही शुरू हो गया, क्योंकि उसके बाद के एपिसोड उतने खास एंटरटेन कभी भी ऑडियंस को कर ही नहीं पाए। इस शो को लोगों ने अपनी फैमिली का हिस्सा माना, एक्टर्स को अपनी फैमिली का हिस्सा माना, जिसके चलते आज भी कई सारे लॉयल फैंस आज भी ऐसे हैं जो इस शो में मज़ा ना आने के बाद भी शो को लगातार प्यार देते जा रहे हैं और लगातार देखते जा रहे हैं, जिसके चलते ये शो आज भी सरवाइव कर पा रहा है। लेकिन शो के फ्लॉप होने का बहुत सारे वेरियस रीज़न हैं, जिस तरीके से मैं आपको कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। पोपटलाल की शादी ना होना, ऐसे कई मरतबा ऐसा मौका बना जब ऐसा लोगों को लगा कि हाँ इस बार सचमुच पोपटलाल की शादी हो जाएगी, लेकिन मेकर्स ने ये जिस तरीके से टिट फॉर टैट का जो गेम खेला, जिसके बाद ये शो अब हो सकता है उन पर ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब लोगों में वो सस्पेंस कभी भी नहीं देखा जाएगा कि जब भी पोपटलाल की शादी की घोषणा की जाएगी तो लोग एक्साइटेड दिखे। दूसरी तरफ नेहा मेहता यानी कि तारक मेहता और अंजलि भाभी, इनके अलावा बबीता जी और अय्यर की कभी भी फैमिली को दिखाया ही नहीं गया। वो टप्पू सेना जिसको लोग देख के बड़े हुए हैं, वो आज कहीं ना कहीं नए नए चेहरों के साथ रिप्लेस होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब एक्टर्स की एक्टिंग तो वही वाली है, लेकिन कहानी जिस तरीके से लिखी जा रही है, या यूं कह लीजिए स्क्रीन प्ले राइटर उस तरीके से अच्छी कहानियों को बयां ही नहीं कर पा रहे हैं जिससे ऑडियंस अपने तरफ आकर्षित हो पाए। इसी के चलते आए दिन इनके मेकर्स को नई नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना पड़ता है, जिसके बाद शो कहीं ना कहीं फैंस के दिलों में बना रहता है और नज़रों के सामने रहता है। जैसे कि हाल फिलहाल में मुनमुन दत्ता और राज अनाटकट की कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, इसके बाद शैलेश लोढ़ा साहब और असित कुमार मोदी की कॉन्ट्रोवर्सी, इस शो का कॉन्ट्रोवर्सी से भी बहुत ही बड़ा चोली दामन का साथ है और यही मेन रीज़न है शो के फ्लॉप होने का। ये कुछ वो रीज़न है जो मैंने आपके सामने रखे। अगर कोई वेरियस रीज़न मेरे से छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर ये शो क्यों फ्लॉप हुआ। इसके साथ साथ अब हम ये बात करेंगे कि शो किस तरीके से दोबारा से रिवाइव हो सकता है, क्या इस शो को दोबारा से सुपरहिट और सक्सेसफुल शो बनाया जा सकता है। तो अब इस वक्त कहना बहुत ही मुश्किल है, 50-50% चांस है, 100% चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शो एक बार अपने पीक पे कोई भी शो आता है और इस शो ने अपना पीक देखा हुआ है, तो अब वो बहुत ही मुश्किल दौर है इस शो को दोबारा से उतना सक्सेसफुल बनाना जितना कि
2017 के पहले हुआ करता था, लेकिन हाँ आज भी इस शो को हिट और सक्सेसफुल बनाया जा सकता है तो उसके कुछ वेरियस रीज़न हैं, जैसा कि असित कुमार मोदी को पुराने कैरेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा वापस लाना पड़ेगा स्क्रीन पे, जिसको लोग देखना पसंद करते हैं। शैलेश लोढ़ा साहब के बाद से आज भी असित कुमार मोदी ट्रोल हो रहे हैं, जबकि इन्होंने अनाउंस किया है अभी तक किसी भी नए चेहरे को एज ए तारक मेहता शो में देखने को नहीं मिला है, लेकिन उसके बाद भी लोग ये ट्रोल कर रहे हैं कि हम शैलेश लोढ़ा को ही तारक मेहता के रूप में देखना चाहेंगे। नेहा मेहता का रिप्लेसमेंट जो अगर वापस आती हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा होगा शो के लिए। इसके अलावा सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट दया बैन अगर दिशा वकाने इस शो में वापसी करती हैं तो शो ज़रूर एक सक्सेसफुल शो बन सकता है। इसके साथ साथ स्टोरी और कॉन्टेंट पर भी ध्यान देना होगा। जिस तरीके से आज के डेट में OTT प्लेटफॉर्म का दबदबा है, आज के डेट में आप वही टिपिकल पुरानी स्टोरी चलाओगे तो लोग नहीं देखेंगे, ऑडियंस बहुत फास्ट हो गई है। OTT प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज ने जिस तरीके से लोगों की दुनिया बदल दी है तो आपको भी ऐसी फास्ट स्टोरी को ही चलाना होगा अगर इस शो को आप सक्सेसफुल शो बनाना चाहते हो तो। इंडिविजुअल कैरेक्टर पे नई नई स्टोरी को इंट्रोड्यूस करो, वही पुराने घिसे पीटे डायलॉग ना चलाओ ताकि ये शो एक सक्सेसफुल शो फिर बन सके। ये वो कुछ रीज़न है जिसको अगर यूज किया गया तो सचमुच ये शो एक बार फिर सुपरहिट शो हो सकता है। आपका ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर करना, क्या आप भी हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हो? और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसी तरीके की अनटोल्ड स्टोरी अननोन फैक्ट के लिए हमारे चैनल कब तक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।